विधि का चेहरा ही है जिसने मेरी बेटी को पागल बना के रखा है। अब मैं उस विधि के चेहरे को ही मिटा दूंगी। इसका इलाज यही कीजिए आप। देखिए, अगर ये हॉस्पिटलाइज हो गया ना तो मीडिया तक खबर पहुंच जाएगी, फिर वो बड़ा चढ़ा के बातें करेंगे जो मैं नहीं चाहता। इस बार सब काम हो जाएगा क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो मुझसे और आपसे भी ज्यादा विधि के खून का प्यासा है। जाकर उसे अपने दिल की बात बता दो। सोच लो, कहीं देर ना हो जाए। रोमियो, हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि मल्लिका जी, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। विधि, आंखों में चुभ रही है कांटे की तरह। विधि? हाँ विधि, वही विधि जो गोवा में तुम्हारे मुंह पे कालिक पोत कर तुम्हारे चंगुल से भाग गई थी। जानता हूँ, उसे कैसे भूल सकता हूँ। मुझे भी उससे पुराना हिसाब चुकाना है। 1.5 करोड़ विधि के काम के लिए। नहीं, इस काम के लिए मुझे कोई सुपारी नहीं चाहिए। ये काम तो मुझे मुफ्त में करने के लिए ही मजा आएगा। इस बार उस विधि की ऐसी हालत करूंगा कि सारी दुनिया थूकेगी उस पर। ऐसी जगह ले जाकर उसे बेचूंगा कि बेचना नहीं है, खत्म करना है, मारना है उसको। व्हाट? मार देना है? मर्डर? हाँ, और किसी भी हालत में विधि बचनी नहीं चाहिए। इस बार उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दो। आप दोनों तो मुझसे भी ज्यादा कमीने, यही कहना चाह रहे हो तुम? इस बार मैं उसे मारूंगा, अपने इन हाथों से खत्म करूंगा उसे। देखो रोमियो, उसे हमारे आंखों के सामने तड़पा तड़पा के मारना जैसे आज हमारे बच्चे हमारे आंखों के सामने तड़प रहे हैं। इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो ले लो रोमियो, पर इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, मुझे भी तो अपना पुराना हिसाब चुकाना है। ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा उसे। सब हमने सोच लिया है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, समझे? हाँ, उसे कहां, कैसे, कब खत्म करना है सब हमने सोच लिया है। ये तो लगा था कि आप लोग प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हो, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा बड़े क्रिमिनल हो। बहुत ज्यादा थ्रिलर्स बनाए हैं जिसमें हमारा काम भी हो जाता है, किसी को भनक तक नहीं लगती, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि हमारा जो स्क्रीन प्ले है हमारे दुश्मन को मारने में काम आएगा। कब मरना है उसे? कल। कल के कल। कल, ठीक है, तो कल सूर्यास्त होने से पहले विधि हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अस्त हो जाएगी। क्या बनाओ खाने में? जो बनाना है वो बनाओ, पर स्वीट जरूर बनाना। आज हमको स्वीट खाने का दिल होता है। हाँ, जरूर कुछ अच्छा होगा आज, देखते हैं। दीदी, अरे सुमन, सुमन, अरे बस 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 बस, तूने बताया भी नहीं तू आ रही है, और मैं लेने आ सकती तुझे। अरे अगर आपको बता देती ना तो आपको इतनी खुशी नहीं होती, इसलिए सोचा कि आपको सरप्राइज ही दे दूं। इधर आ, चली। आंटी, ये हाँ, पता है। सुमन। आंटी, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी। आज मैंने विधि को बताया था कि कुछ मीठा खाने का दिल होता है, आज जरूर कुछ अच्छा होगा, देखो। जरूर आंटी। और बस्ती में सब कैसे, मुन्ना मोंटी सब लोग? सब अच्छे हैं।
दीदी पता है इंटरनल एग्जाम्स थे कॉलेज में और उसका रिजल्ट भी आ गया। चलो गेस करो क्या रिजल्ट आया होगा। मुझे लग रहा है जो भी आया होगा अच्छा ही आया होगा। सेकंड नंबर पे आई हूँ मैं पूरे क्लास में। ओह कांग्रेट्स। थैंक यू। अब देखना दी मैं ज्यादा मेहनत करूंगी और नेक्स्ट एग्जाम्स में टॉप करूंगी देखना। तुम माँ और पापा के सपनों को जी रही हो। वो दोनों आज होते तो तुम्हें ऐसे देखकर कितना खुश होते। बस 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 स्माइल करो स्माइल करो और बैठ कर बातें करो। हम बस्ती में जाकर बताता है कि सुमन आया है, सब लोग खुश हो जाएगा। दी तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ सुमन। सचमुच दी तुम्हारे फिल्म में प्रेम हीरो है ना, तुम्हें उससे कोई तकलीफ या कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं सुमन, इतना हक नहीं रहा अब उस रिश्ते में। मेरा तो अब एक ही मकसद है, इस फिल्म को पूरा करना, पापा के सपने को पूरा करना। हम लोग भी क्या बातें लेकर बैठे हैं, तो तू इतने दिन बाद आई है, बैठ। और पता क्या चल रहा है कॉलेज में, नए दोस्त बने? पर आप उम्मीद बंधा रही है। अरे क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? अरे मेरे प्रेम को अगर कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। प्लीज डू समथिंग, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके। प्लीज डू समथिंग, मेरे बच्चे को बचा लो आप। प्लीज बचा लो। आप उम्मीद मत छोड़िए प्रेम। प्रेम बेटा, प्रेम आंखें खोलो अपनी बेटा, आंखें खोलो प्रेम। कुमार, कुमार जैम जैम को ऊपर आइस, जैम को ऊपर आइस, मैं बुला रहा हूं तुम्हें बेटा, आंखें खोलो। Please open your eyes. Come on, God damn it, open your eyes. बेटा अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो इस दुनिया को जला के राख कर दूंगा मैं, तो पक्का वादा है मेरा, नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को। It's just be alright. तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहूँ। नहीं पता क्यों लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्द तुम्हें भी कोई उम्र भर साथ देने वाला जरूर मिलेगा। पता है मैंने बहुत 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 मिस किया आपको दी। आज कितना मजा आ रहा है ना, हम दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे, कितने दिनों के बाद, बिल्कुल वैसे जैसे हम अपने घर पर किया करते थे। दी तुम्हें बुरा तो नहीं लगाना कि मैंने प्रेम के बारे में बात की? नहीं सुमन, तुम तो जानती हो मैं जो फिल्म में काम कर रही हूँ उस फिल्म में हीरो प्रेम है, रोज आमना सामना होता है, लेकिन मैं ऐसे गुजर जाती हूँ जैसे हम अजनबी हो। दी प्रेम ने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। सुमन हम प्रेम की बातें क्यों कर रहे? शायद वो रिश्ता मेरी भी गलती थी। अजनबी की तरह गुजर जाने से गुजरा हुआ वक्त तो नहीं भूल पाएंगे ना। दी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी। आज अगर माँ पापा होते ना तो तुम्हारी भी कोई जिंदगी होती, तुम्हारा भी कोई अपना होता। क्या तुमने अपने बारे में कुछ भी सोचा है?
बस इतना ही सोचा है कि मुझे पापा की कसम पूरी करनी है बस। दी, सिर्फ ये पापा का सपना नहीं था, उनका ये भी सपना था कि आप अपना कोई घर बसाएं, आपका भी अपना एक परिवार हो। सुमन, जरूरी नहीं है कि हर सपना जो आंखों में हो नियति में भी हो। फिलहाल मुझे पापा का वो सपना नहीं दिखाई दे रहा, मुझे सिर्फ पापा की आखिरी चीख सुनाई दे रही है। घर बसाकर नहीं बैठ सकती मैं, इतनी नाउम्मीद नहीं हुई मैं अब तक। दी, लेकिन क्या तुम्हें अकेले रह जाने का डर नहीं लगता? अकेली कहाँ हूँ मैं सुमन, तुम हो, डिसूजा आंटी है, मुन्ना है, तुम सब तो हो ना। हाँ दी, मुन्ना ने तुम्हारी बहुत हेल्प की है। हाँ सुमन, जानती हो आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ मुन्ना की वजह से। उसने मुझे बिकने से भी बचाया है और बिखरने से भी। पता नहीं किस जन्म का नाता होगा मेरा उससे। बहुत मदद की है उसने, बहुत। सुमन, ये सब बातें छोड़, तो मुझे ये बता तेरी कॉलेज कैसी चल रही है? दी, कॉलेज तो बहुत अच्छा, कुछ नए फ्रेंड्स भी बने हैं मेरे, लेकिन अब मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर है। पापा के कुछ सपने मुझे भी तो पूरे करने हैं। बहुत समझदार हो गई है तू। हाँ दी, समझदार तो बनना पड़ता है ना। आपको जो ठोकरें लगी है उससे मैं ठीक से चलना सीख रही हूँ। दी, तुम्हारी फिल्म की शूटिंग रुक गई थी ना, कब से शुरू होगी? पता नहीं सुमन, कल गौरी का फोन आया था, मिलना है मुझे उनसे कल। फिल्म की बात होगी, देखते आगे क्या होता है। लेट्स सी आगे क्या होगा, बस यही सोच रह गई अब हमारी जिंदगी की। दी, कभी कभी तो बहुत डर लगता है, कभी कभी तो हॉस्टल में अकेले रो लेती हूँ, नहीं पता क्या होगा। फिर तुम्हारे बारे में सोचती हूँ और हिम्मत आ जाती है। हिम्मत तो रखनी पड़ेगी सुमन। हाँ दी, दी मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। नहीं पता क्यों लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्द तुम्हें भी कोई उम्र भर साथ देने वाला जरूर मिलेगा, देखना। मन में लगन, तन में है जलन, बेबाक खड़ी हूँ मैं, दिल में मेरे अरमां है जगे, फिर एक बार खड़ी हूँ मैं, छुपाऊँ कैसे, लगा चुनरी वो बात याद मत करो। जानते हो आज भी सहम जाती हूँ जब गोवा का जिक्र होता है। अरे मुन्ना, मार्केट ही तो जाना है, गाड़ी की क्या जरूरत? हाँ वो भी तो सही है। मुन्ना, आज तो अपने दिल की बात बोल डाल। मुन्ना? नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तेरे को संदू चकली वाले बाजू की बस्ती में रहता ना, बोल उसने कल शादी कर ली। हाँ तो कितने अपन क्या बोला मालूम है कि जिंदगी में ये सब तो चलते ही रहता है। बोले तो कि क्या है कि अपन काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन ये सब के बीच में ना अपन को कुछ और भी सोचना मांगता है। क्या? अपन का मतलब है कि अपन के बारे में, मतलब चंदू के बारे में। मुन्ना तुम क्या कह रहे हो? क्या है ना कि तकदीर वाली, आज अपन दिल की बात बोल देना मांगते, एकदम खुल्ला।
मुन्ना तो आज अपन को भी ना एकदम दिल की बात सुन लेने का मांगता है, एकदम खुल्लम खुल्ला। तू आज मजाक के मूड में हो ना? अरे ये तो अपन के जैसे ही बोलती है, मतलब कि जोड़ी जमने वाली है अपन की तो। मुन्ना क्या क्या सोच रहे हो आज? अरे नहीं कुछ नहीं, वो अपन ये बोल रहा था कि डर मत मुन्ना, यही मौका है, बोल दे अपने दिल की बात। अरे मरद बन, बोल दे कि तू विधि को बहुत प्यार करता है, बोल दे मुन्ना, बोल दे। मुन्ना मुन्ना क्या हुआ आज सुबह? तुम मुझे अभी कभी बताओ क्या सोच रहे हो? विधि अपन ये बोल रहा था कि अपन तेरे को अपना ना तेरे से बहुत शूटिंग नहीं कर पा रहा है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि प्रेम अब इस फिल्म में हीरो नहीं होगा। इस हालात में हमें ये फिल्म बंद करनी पड़ेगी। अपन तेरे से बहुत मुन्ना वो क्या मुन्ना वो क्या क्या मुन्ना वो वही था। कौन था? मुन्ना वो रोमियो। क्या? हाँ मैंने अभी उसको देखा। मुन्ना यहीं पे था वो। कोई नहीं यहाँ पे तो। नहीं मुन्ना यहीं पे था। तू चिंता मत, तू यहीं खड़ी, अपन देख के आते। साला यहाँ तो कोई भी नहीं है, तकदीर वाले भी ना। अपन ने सब जगह देख लिया, कोई नहीं। देख तेरे को ना भ्रम हुए ना। नहीं मुन्ना मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे यहीं पे देखा था। विधि मुन्ना मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की। तू एक काम कर, तू खर्च जो भी सामान लाना अपन बाद में लेके आएगा बाजार से। खर्च, अरे चिंता करने का क्या अपन है ना, चल चल चल। अच्छा यही है वो लड़का जो विधि को गोवा से भगा कर लेकर आया था। के साथ साथ इसको भी सबक सिखाना पड़ेगा। गौरी मैम। हेलो गौरी मैम। हाय विदीप। सॉरी मैं आपको मिलने वाली थी लेकिन मिल नहीं पाई। इट्स ओके विदीप, हम फोन पर भी बात कर सकते हैं। ओके विदीप, तुम तो सारी सिचुएशन जानती हो। प्रेम शूटिंग नहीं कर पा रहा है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि प्रेम अब इस फिल्म में हीरो नहीं होगा। और इनफैक्ट मेरी मिस्टर रोशन से भी बात हुई थी, वो भी इस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए और मोहलत मांग रहे हैं, जो कि हमारे पास नहीं है विधि। तो इस हालात में हमें ये फिल्म बंद करनी पड़ेगी। सॉरी विधि, अपा के करियर की ये पहली फिल्म होगी जो इस तरह बंद हो रही है। ऐसा नहीं होगा अंजी रेड्डी साहब की ये फिल्म
डेफिनेटली कंप्लीट होगी। रोशन जी आप देव, मैं इस तुमसे प्रेम आउट हुआ है, मैं नहीं। रोशन नंदा आज भी इस फिल्म का डायरेक्टर है, इस फिल्म को मैं कंप्लीट करूंगा। लेकिन मिस्टर रोशन, आप ही ने तो और मोहलत मांगी थी। जी मोहलत तो मैंने मांगी थी, लेकिन ना अभी मैं शूटिंग का शेड्यूल चेंज कर दूंगा। फिल्म क्लाइमैक्स शूट करेंगे और हर वो सीन करेंगे जिसमें प्रेम नहीं है। अब इससे प्रेम को वक्त भी मिल जाएगा और हमारा काम भी बन जाएगा। आई लाइक द स्पिरिट। थैंक यू सो मच गौरी जी। अब शूटिंग की तैयारी कीजिए, हम बहुत जल्द शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। और हाँ, वो विधि को प्लीज इन्फॉर्म कर देना, उसे नहीं लगना चाहिए कि उसकी पहली फिल्म शुरू होते ही बंद हो गई। तो क्या ना, टूटे सपने आंखों में कम दिल में ज्यादा चुभते हैं, और मैं नहीं चाहता कि उसे ज्यादा तकलीफ हो। ऑल राइट गौरी जी, बिल्कुल गुड बाय। गुड बाय मिस्टर रोशन। अंकिता, विधि आर यू देयर? जी रोशन जी, वो मैंने सुन लिया सब। ग्रेट, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू, हम जल्दी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। डोंट वरी विधि, जैसे ही स्केड्यूल तय होगा स्वामी तुम्हें फोन कर देगा। या सी यू, टेक केयर विधि। जी थैंक यू। अंकिता, बेटा कोई नहीं है, देख मैं हूं ना सिर्फ, मैं हूं ना यहाँ पर, कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं आएगा। अंकिता सो जा बेटा, मैं हूं ना यहाँ पर, ना कोई आएगा। नहीं कोई आ गया तो? कोई नहीं आएगा बेटा, देख मैं यहीं पर बैठी हूँ तुम्हारे पास, और मेरे होते हुए मेरी बेटी के पास कोई आ सकता है? नहीं, नहीं ना? नहीं, नहीं। अंकिता तुझे याद है, तू छोटी थी तब हम अमेरिका गए थे, वहां पे हम कहाँ घूमने गए थे? डिज्नीलैंड। तुझे याद है मैं एक रोलर कोस्टर में बैठी थी, तुमने मुझे कहा था कि मम्मा मुझे रोलर कोस्टर में बैठना है, मैंने बोला ठीक है बैठ जा, और तुमने मुझे कहा था कि मम्मा तुम भी बैठो, मैंने बोला नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, और मेरी बेटी ने कहा था मम्मा डरो मत मैं हूं ना तुम्हारे साथ, है ना? और जैसे ही रोलर कोस्टर शुरू हुआ था मैं जोर से चीखी थी नहीं करके, और तुम इसी तरह हंसी थी, हंसी थी ना? बस हमेशा ऐसे ही हंसते रहना, और अब सो जा तू। हाँ कौन? विधि वेद प्रकाश शास्त्री, कैसी हो? रोशन जी यहाँ पे शूटिंग है तो अभी तक कोई आया क्यों नहीं है? अरे मैं आ गया हूँ ना, तुम्हारी फिल्म का डायरेक्टर रोशन नंदा। जब मैं आ गया हूँ तो शूटिंग तो होगी।
फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म की फाइनेंसर का। तो आएगी तो शूटिंग भी शुरू हो जाएगी।